लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे बुजुर्गों को ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से कैसे बचा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रेन स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हर साल हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक होने पर दिमाग में ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाता है। ऐसे में खून और ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं पहुंच पाता है और स्ट्रोक का कारण बनने लगता है। बढ़ती उम्र के साथ खासकर बुजुर्गों को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा रहता है। बुजुर्गों को ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानकारी भी कम होती है। ऐसे में मन में सवाल आता है, क्या बुजुर्गों को ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से कैसे बचाया जाए। पहले समझे, बुजुर्गों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज्यादा क्यों होता है। बढ़ती उम्र के साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण शरीर के साथ मस्तिष्क में भी ब्लड फ्लो धीमा होने लगता है। इतना ही नहीं, बढ़ती उम्र के साथ नसें भी सिकुड़ने लगती हैं और मेंटल हेल्थ भी कमजोर पड़ने लगता है। इन कारणों से ब्रेन पर ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। बुजुर्गों में ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको बुजुर्गों में इनमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहा है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अचानक से शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी आना, उदाहरण के लिए हाथ या पैर ठीक से ना उठा पाना या पकड़ कमजोर होना, बोलने में परेशानी होना या आवाज लड़खड़ाना भी ब्रेन स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। कंफ्यूजन होना, ये चीजें मूल रूप से ब्रेन स्ट्रोक के लक्षणों में शामिल हैं। इसके अलावा अगर अचानक मुंह टेढ़ा होने लगे या चक्कर आने लगे तो इन लक्षणों को भी नजरअंदाज ना करें। बुजुर्गों को ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से कैसे बचा सकते हैं। रेगुलर चेकअप कर पाए। ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से बचने के लिए रेगुलर चेकअप करवाना जरूरी है। हर 3 से 6 महीने में फुल बॉडी चेकअप करवाएं। इससे बॉडी और ब्रेन में चल रही समस्याओं का समय पर पता लगाया जा सकता है। बीमारियों पर कंट्रोल रखें। अगर बुजुर्ग को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी कोई स्वास्थ्य समस्या है तो बीमारियों को कंट्रोल रखने में काम करें। ब्लड प्रेशर या डायबिटीज के स्तर में बदलाव आने से परेशानी बढ़ सकती है। डाइट का विशेष ध्यान रखें। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कम करने के लिए डाइट का ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान रखें कि उनकी डाइट में केवल ताजी सब्जियां और फलों को ही शामिल किया जाए। जंक और प्रोसेस फूड उनकी डाइट में पूरी तरह से अवॉइड करें। स्ट्रेस कंट्रोल रखना जरूरी है। ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण स्ट्रेस भी बन सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि उन्हें स्ट्रेस ना हो। बॉडी और माइंड रिलैक्स करने के लिए उन्हें वॉक करने की आदत बनाएं। उन्हें हमेशा खुश रखें और अकेला ना रहने दें। इन छोटी छोटी कोशिशों से बुजुर्गों में भी ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में नज़र आता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कोई भी बहाना ना बनाएं। डॉक्टर के पास जाना है तो जाना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।